वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों बिहार पुलिस की जो अवर सेवा आयोग है उसमें बिहार की जो एसआई और दरोगा की भर्ती थी उसका परिणाम दोस्तों आ गया है। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से पूरा रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बिहार पुलिस की जो एसआई और दरोगा की जो भर्ती थी उसका जो रिजल्ट था वो आज जारी कर दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं जो पूरी नोटिफिकेशन पूरी जानकारी इसमें क्या दी हुई है। दोस्तों इस बारे में कट ऑफ वगैरह कि कितने लोग पास हुए हैं, कितनी कट ऑफ रही है, रिजल्ट के बारे में पूरी दोस्तों हम जानकारी आज पढ़ेंगे। दोस्तों लिखा हुआ है कि पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रारक्ष अवर निरीक्षक यानी कि सर्जेंट, सहायक अधीक्षक कारा एवं सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के पद पर नियुक्तियों के लिए के विरुद्ध आयोजित की गई संयुक्त प्रतियोगिता का परीक्षा फल, दोस्तों पूरा परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2019 में पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रारक्ष अवर निरीक्षक एवं बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग के अंतर्गत सहायक अधीक्षक कारा भर्ती, सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम स्वरूप नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2019 दिनांक 21/8/2019 यानी कि 21/8/2019 प्रकाशित किया गया था। अब दोस्तों जो 22 दिसंबर 2019 को कुल 58,585,829 अभ्यर्थियों के प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। दोस्तों जो पूरे इसमें संख्या है अभ्यर्थियों की वो है 585,829। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा पर निम्न रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या था। दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में जो टोटल कैंडिडेट्स थे, आइए देखते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एडमिट कार्ड जो रिलीज किया गया था फर्स्ट शिफ्ट के लिए वो था 2,92,920। और कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, 500 लोगों को फर्स्ट शिफ्ट से डिस्क्वालीफाई किया गया था। दोस्तों यदि बात की जाए कि पूरा जो फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो फर्स्ट शिफ्ट में 2,45,968 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब दोस्तों बात करेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, यही हमारे लिए काम का है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स थे, आइए देखते हैं। तो जो फर्स्ट टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे वो 2,45,968 थे फर्स्ट शिफ्ट में। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट्स हु रिजल्ट वाज पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट शिफ्ट से कितने लोगों का रिजल्ट आया, तो 2,35,961। और दोस्तों बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो 2,35,961 लोगों का रिजल्ट फर्स्ट शिफ्ट से आया है। अब बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की। तो दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 2,49,132 लोगों ने सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया और बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था। टोटल नंबर दोस्तों देखते हैं कि कितने लोगों का रिजल्ट आया है सेकेंड शिफ्ट से। तो सेकेंड शिफ्ट से 2,39,455 लोगों का रिजल्ट आया है और 9,677 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट से कितने लोगों का रिजल्ट आया और सेकेंड शिफ्ट से। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट से 2,35,961 और सेकेंड शिफ्ट से 2,39,455 लोगों का रिजल्ट आया। टोटल कैंडिडेट्स हु रिजल्ट वाज पॉजिटिव यानी कि टोटल कितने लोगों का रिजल्ट आया दोनों शिफ्ट को मिलाकर, तो 4,75,416 लोगों का रिजल्ट दोनों शिफ्ट मिलाकर आया है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 4,75,416 में से बनेगी। दोस्तों जो जिसका 30% से ऊपर मार्क्स होगा वो पास होंगे और जिसका 30% से कम होगा वो फेल होंगे। तो जो टोटल पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो है 2,78,436 और जो लोग फेल हुए हैं उनकी संख्या है 1,96,980। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने लोग पास हुए हैं। तो जो कैटेगरी वाइज जो पास हुए हैं दोस्तों ये वैकेंसी दिया हुआ है, यानी कि पहले हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो जो जनरल की वैकेंसी दोस्तों थी वो 825 मेल में और 289 दोस्तों फीमेल में थी। जो टोटल वैकेंसी ये है, ईवीएस के लिए 207 वैकेंसी है, बैकवर्ड के लिए 248, ईबीसी के लिए 371, एससी के लिए 330, एससी के लिए 21, वुमेन के लिए 62 और टोटल जो है 2,064 दोस्तों ये पोस्ट है। 41 जो दोस्तों पोस्ट रखा हुआ वो रिजर्व रखा गया है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। अब दोस्तों ये सब कुछ आरक्षी भर्तियाँ हैं यानी कि पुलिस के लिए, और इसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए भर्तियाँ,
इसमें कुछ कुल पोस्ट दिए हुए हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम सीधे दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरल की कट ऑफ थी कैंडिडेट सिलेक्टेड ASJ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए है, तो जनरल की जो कट ऑफ कही है वो 341 है मेल के लिए, यानी कि 86% मार्क्स के लिए कट ऑफ जो मार्क्स है वो 85% है। तो दोस्तों जनरल के लिए 341 मेल में, EWS के लिए ये 31 है। दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 85% कट ऑफ है, EWS के लिए 60% कट ऑफ रखा गया है, BC के लिए 68% और EBC के लिए 60% कट ऑफ है, SC के लिए 61% कट ऑफ रखा गया है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी सारी जानकारियां ले सकते हैं। अब बात करते हैं डाटा ऑफ कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड, कितने लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं, दोस्तों ये इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो है 132 नंबर यानी कि 66%, फीमेल की बात की जाए तो 88 नंबर 44%, EWS में कट ऑफ जो है 117 नंबर गया है और फीमेल के लिए 60 नंबर गया है, BC के लिए 125 नंबर फीमेल में 72 नंबर, EBC के लिए 118 नंबर और फीमेल में 60 नंबर, SC के लिए 103 और यही फीमेल के लिए 60 मार्क्स, ST के लिए 116 और फीमेल में 67, BC वुमेन के लिए दोस्तों सिर्फ फीमेल का 64% और FFW के लिए मेल का 60% और फीमेल का 60 नंबर दोस्तों ये दिया हुआ है। अब दोस्तों जो पूरा रिजल्ट है यहाँ पर रोल नंबर वाइज दिया हुआ है, तो आप इसमें अपना रोल नंबर चेक करके पता कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट हुए हैं नहीं। दोस्तों आप ये सारा जो फॉर्म है वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर करिए।